मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी भी अच्छे होंगे। मैं आज कहीं निकल रही हूँ, सुबह का टाइम हो गया, 9:30 हो गए, कहीं जाना है। बाद में आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। आपके लिए ये सस्पेंस है, मैं कहाँ जा रही हूँ आके दिखाऊंगी। खाना मैंने बना दिया, मेरा खाना बन गया है, खाना बना के जा रही हूँ क्योंकि घर में सभी है, खाना खाएंगे, मैं आते आते लेट हो जाऊंगी तो इसलिए खाना बना के जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, फिर रास्ते में थोड़ा दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। कहाँ जा रही हूँ मैं बताया नहीं, क्यों नहीं बोल रहा? बोल दो ना, शॉपिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पूजा की शॉपिंग। वाह, किस्मत अच्छा है, पहले तो बोल रहे थे पूजा की शॉपिंग होगा नहीं, अभी पैसा आ गया, लॉटरी लग गया, बजट देख के करने पड़ेगा। लेकिन बादल खूब हो रखा है, होगा बारिश, बच गया, हो चुका है बारिश, नहीं फिर भी बादल है ना, बहुत बादल है, बारिश हो सकता है। आधा चीज मिला, आधा चीज नहीं मिला, थक गए, अभी घर जाना है। The next day. Good morning friends, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, अभी बहुत टाइम हो गया, 11 बजने वाले हैं, लेकिन बाहर इतना बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से दिन का पता ही नहीं लग रहा है कि कितना टाइम हुआ। सुबह का मेरा जितना भी काम था, पूजा पाठ हो गया, नाश्ता भी हो गया, अभी खाना बनाने की तैयारी करूँगी, फिर कल जो हम शॉपिंग गए थे उसी का सामान आपको दिखाएंगे, क्या क्या लाए हैं बाजार से। और अभी बहुत बारिश हो रहा है, मैं सोच रही इतना बारिश हो रहा है तो थोड़ा वो पौधा कटिंग करके दूसरा पौधा तैयार करती हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर कर, अभी खाना बना लेती हूँ, खाना बना के फिर आप लोगों के साथ बैठ के जो सामान लाए थे उसके दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आई थी। मैंने खाना बनाने के लिए तैयारी कर लिए है, ये मैंने चावल धो के रख दिया, और ये मसूर की दाल है, मसूर की दाल की बड़ा बना के खट्टा बनाऊंगी, और ये साग, ये मिक्स सब्जी बनेंगे, इसमें है गाजर, आलू, बैंगन, बरबट्टी, काकड़ोर, सारा मिक्स करके, और ये है साग के साथ बनेंगे, और ये बनेंगे आमड़ा से, और मसूर दाल के बड़ा बना के इसको खट्टा बनाएंगे। ये चावल मैंने बिठा दिया, दूध गर्म हो गया मेरा, अभी मैं थोड़ा बाहर का काम निपटा के आती हूँ, चावल का पानी गर्म होते होते मैं थोड़ा वो पौधा लगा के आ जाती हूँ, आके फिर खाना बनाऊँगी। ये पौधे के लगाऊंगी मैं, अभी बारिश का टाइम है तो ये पौधा लगाऊंगी, तो इसका कटिंग निकाल के लेके आ गई, मेरा पुराना पिछले साल का पेड़ था ये, तो इसका छोटा छोटा कटिंग लगा देंगे तो अभी बहुत सारा पौधा हो सकता है, तो इसलिए बारिश हो रहा है ना, अभी सीजन अच्छा है तो इसको कटिंग करके मैं लगा दूँगी। देखते हैं इस बारिश में अगर सारे पौधे निकल आते हैं तो अलग अलग गमले में मैं लगाऊंगी। ये गमला मैं मिट्टी पहले भर के रखी थी और इसी में मैं कटिंग लगा दूंगी, ये कटिंग मैं लेके आई हूँ, देखिए दो गमले में मैं कटिंग, मिट्टी वैसे भी गीले है, मैं इसको ऐसे ही दबा दूंगी, मुझे लगता है हो जाएगा, इसको मिट्टी मैं खोलूंगी नहीं, पहले से मिट्टी दबा के रखी थी, नरम है मिट्टी, एक ही में ज़्यादा करके निकाल लेते हैं, इसका जड़ आ जाएगा तब हम दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत सारा कटिंग हो गया, एक ही डाली निकाले हैं, इसमें बहुत सारा कटिंग हो गया। ये मौसम अच्छा है ना पौधा लगाने के लिए, बारिश हो रहा है, धूप नहीं है, सूखेंगे नहीं, इसी टाइम ये पौधा लगाने का। इधर पूरा नहीं होगा, हम दूसरे गमले में भी थोड़ा सा लगा देंगे। ये बच गया था, इसको भी देखती हूँ, इसको भी डाल देती हूँ, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। एक ही गमले में मैंने सब डाल दिया,
देखते हैं अभी क्या होता है। ये लगा दिया हमने दो गमले में, देखते हैं कितने दिनों के बाद ये उगते हैं। तो चलिए आपके साथ तो शेयर करेंगे। कोई भी पेड़ पौधा लगाना होता है ना तो ये बारिश का मौसम अच्छा है क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा मिर्ची भी तोड़ लेते हैं, पेड़ में बहुत सारे मिर्ची आ गए तो इसको पेड़ से मिर्ची निकाल लेती हूँ। देखिए इतने से पेड़ में कितने सारे मिर्ची लगे हैं, इसको मैं तोड़ लूँगी। ये मिर्ची मैंने तोड़ लिया है, ये दोनों अलग अलग तरीके की मिर्ची है। खाना उना बनाया, घर का सारा काम किया, अभी ससुर जी को खाना दे के आई हूँ। अभी छत पे जाएंगे इसको डाल देंगे क्योंकि बाहर तो बारिश हो रहा है, बाहर बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से तो इसको बाहर नहीं डाल पाऊँगी। इसको ये छत पे जाके ये कपड़े डाल के आती हूँ। ये सामान भरा पड़ा है, अभी इसको निकालूंगी फिर दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी। मच लेटर। गुलाब जामुन का पैकेट लेके आई हूँ और ये बूंदी रायता खाने के लिए, बेटे को बहुत पसंद है रायता के लिए बूंदी, देखा तो उसको लगा के बूंदी रायता खाने के लिए बूंदी लेके आए हैं। ये अगरबत्ती लेके आए हैं, बहुत सारा अगरबत्ती है और कुछ नमकीन की पैकेट है और ये मैक्रोनी के पैकेट है। तो जो जो सामने मिला ज़्यादा ले नहीं पाते हैं, ये जितना मिला ये सेवैया का पैकेट है और कुछ स्क्रब बहुत सारा लेते हैं क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, आजकल ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, फिर नरम हो जाते हैं तो बर्तन अच्छे से साफ नहीं होता है। और ये एक मग लेके आए, वैसे मग था लेकिन फिर भी गई थी तो एक मग लेके आए। और ये हार्पिक मतलब जो घर सफाई के लिए ये कुछ आइटम लेके आए हैं। और ये हेयर कलर के कासुंदी क्या, लोगों को तो पता ही नहीं, बताओ ना उसके बारे में। कासुंदी क्या, कासुंदी पता है क्यों नहीं आज तक? नहीं सबको नहीं पता होता कासुंदी। ये कासुंदी की बोतल है, ये आम और सरसों के मिक्स से बनते हैं। ये ऐसे नहीं कि खराब हो जाते हैं, बहुत दिन रहता है। लोग पहले लोग घर में ही बनाते थे लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, सभी नहीं बना पाते हैं। तो ये बॉटल लेके आए हैं, ये बेटे को बहुत पसंद है। चाउमीन वगैरह, चाउमीन वो कोई रोल वगैरह एग रोल बनाता है तो उसके साथ ही दे देते हैं, वरना ये जैसे घर बंगाली में घर में घर में कोई साग के साथ मतलब जो बंगाली लोग हैं उनको ज्यादा पता है तो ये उसी के साथ खाते हैं। वैसे ये बिना प्याज लहसुन का है, कोई प्याज लहसुन इसी में नहीं है। देखो है तो बस वैसे खा घर में खा तो फिर और एक लेके आ गई। और ये मॉर्टिन कॉकरोच के लिए, बहुत कॉकरोच हो जाते हैं ना, कुछ दिन में इस पर स्प्रे करना पड़ता है। और ये साबुन लेके आई तो डाक दोई लेके आई और ये सिल्कल साबुन और ये रोप लेके आई हूँ कपड़े उपड़े टालने के लिए, ये रोप लेके आई हूँ। और ये मॉर्टिन ऑल आउट दो लेके आई हूँ। और ये धनिया पाउडर, ये अच्छा होता है ना, थोड़ा बाजार से ये अच्छा होता है धनिया पाउडर, इसलिए ज़्यादा करके लेके आ गई क्योंकि हर सब्जी में धनिया पाउडर तो डालना ही पड़ता है। और ये एक मिर्ची का पैकेट, ऐसे एक मिर्ची का पैकेट दो तीन लेके आई हूँ, इकट्ठा करके रख दूँ। पैकेट इतना ऐसे खुला सामान ले आते हैं तो खराब हो जाता है, पैकेट में रहेगा तो खराब नहीं होगा। और ये पीतांबरी बर्तन, पूजा के बर्तन साफ करने के लिए पीतांबरी लेके आई हूँ, पीतांबरी थोड़ा ज़्यादा ही लेके आई हूँ। और बुंदी का दो पैकेट था, बुंदी तो दिखा दिए। और सैवलॉन और क्या है, और हाँ ये
दालचीनी का पैकेट दो लेके आई हूँ। और ये मॉर्टिन कॉइल सामान, लेकिन और भी कहीं जाना था, इतना बारिश शुरू हो गया था, हम लोग और कहीं जा नहीं पाए। डेढ़ दो घंटा तो गेट के पास ही टाइम निकल गया, फिर भी थोड़ा बहुत उसी में टाइम निकल के सोचा कि एक बार घर से जब निकले ही है तो थोड़ा बहुत सामान शॉपिंग करके लाते थे। लेकिन पूजा के लिए तो इतना शॉपिंग नहीं किया, लेके गए पूजा की शॉपिंग करने के लिए, फिर शॉपिंग ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि उधर इतना अच्छा सामान नहीं था। अब ये शॉपिंग वाला लोग सब खा चुका, तो अपना फुटेज लेता है। तो हो गया आज का ये मेरा शॉपिंग था, आज का इतना ही बस। और क्या है, ये सेविंग क्रीम और एक आंवला तेल, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ लिया नहीं। बाकी तो रोज लोग जो हाथ के सामने चाहिए वो तो खरीद के लेना ही पड़ता है। लेकिन ये और क्या लगे लेकिन इतना अच्छा कपड़ा था नहीं, लेकिन जो भी है दो चार ऐसे वाले कपड़े बेटे के लिए, दोनों भाई दो एक ही जैसा लिया है। और एक छोटा वाला बेटे के लिए जींस लिया, जींस इतना अच्छा नहीं था। और ये देवर के बेटे के लिए लिया, और दो तीन था मैंने इसको दिया क्योंकि वो इसको भी खोना था, लेकिन ये अलग जगह पे रह गया था, मुझे इसको धोए थे। और कुछ प्लास्टिक का सामान लेके आए थे, वो दुकान में लेके चले गए, दुकान के लिए था, थोड़ा दुकान में लेके चले गए। क्या क्या था, कंटेनर था वाइपर था, ऐसे बस इतना ही शॉपिंग किया सुबह से लेके शाम तक। हो गए शॉपिंग करते करते, क्योंकि बारिश के वजह आधा टाइम हम लोग रुके ही रहे, फिर भी घर आते आते लेट हो गए। तो रात को और आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, दूसरे दिन भी शेयर करते करते इतना टाइम हो गया, फिर दिखाया इसको सारा काम निपटा के। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।